যেখানে আছি আমি সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ড রোড, আর এই স্ট্যান্ড রোডে এসছি অ্যালফা ওমেগা বাইকসে। আর এনাদের হচ্ছে অ্যাড্রেসটা, সঠিক অ্যাড্রেস যেটা আছে 28 স্ট্যান্ড রোড হুসেন আলী বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোরে পড়ছে। আর এই হুসেন আলী বিল্ডিং এ আসতে হলে আপনাকে আসতে হবে ক্যানিং স্ট্রিট, তার মানে হচ্ছে আপনি যদি স্ট্যান্ড রোড ধরে আসেন হাওড়া ব্রিজের ওঠার আগে ঠিক রাইট সাইডে আপনার এই ক্যানিং স্ট্রিট পড়ছে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে পেয়ে যাবেন ওনাদের শোরুম। আর দেখে নেব ওনাদের আজকে কি কি কালেকশন আছে, কি কি ই বাইকের কি কি ভ্যারিয়েন্ট আছে। ওনাদের যে কোম্পানি, সেই কোম্পানির নাম হচ্ছে ব্যাটরে, এটা আপনার হচ্ছে জয়পুর বেস কোম্পানি। তা আজকে কথা বলে নেব, ওনাদের ওনার নেই এখন, আরেক পার্টনার আছে, তো ওনার সাথে কথা বলে নেব। যদিও বা উনি আজকে ভিডিওতে মুখ দেখাবেন না বলেছেন কোনো একটা বিশেষ কারণের জন্য, তো ঠিক আছে। তো আমরা জেনে নেব আজকে কোন কোন স্কুটারের কি কি ফিচার্স আছে, চলুন দেখে নিই। আজকে দেখে নেব ব্যাটারি কোম্পানি ফার্স্ট স্কুটার যেটা আছে এখানে দেখছি, ই বাইক। তো এখানে ই বাইকের কি কি ফিচার্স আছে উনি আমাদেরকে একটু বলে দেবেন। ये जो आपका गाड़ी है इसका नाम है आपका वन, बैटरी वन। बैटरी इसमें आपका आगे पीछे आपका डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, C8 का ट्यूबलेस टायर है, फिर आपका आगे में आपका हैलोजन टाइप हेडलाइट्स मिल जाएगा, देखते हुए एलईडी डिस्प्ले, एलईडी लाइटिंग्स। फिर आपका इसमें एक स्पेशल फीचर है जो आपका है, आपका पैर रखने का जो जेंट्स का है, ये आपका पुश इन टाइप है, जब प्रेस कीजिएगा तो इसे ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अच्छा, और प्रेस खोल ले, प्रेस खोल ले खुले जाते हैं। हाँ, हाफ प्रेस कर से ही आपका बंद हो जाएगा। आपको इस गाड़ी के साथ में आपको लेडीज फुटरेस्ट लगा हुआ आ रहा है, बैक रेस्ट लगा हुआ आ रहा है। फिर आपका इसके अंदर में आपको 3-4 वेरियंट्स अलग अलग आ जाएगा बैटरी का, जैसे आपका 50 किलोमीटर का है, 80 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का है, 150 किलोमीटर तक का भी आपको मिल जाएगा इसमें। एक बार चार्ज करने पे आपको 150 किलोमीटर भी जाएगा गाड़ी। अच्छा, 150 किलोमीटर जेटा जाबे एक बार चार्ज दिले ओटा आपने आमी कोन मोडे चलाले, इको मोडे चलाले निश्चय जाबे? हाँ, इको मोडे चलाए आपका 150 किलोमीटर जाएगा। फिर आप जैसे जैसे मोड स्विच कीजिएगा आपका स्पीड, आपका एवरेज थोड़ा कम होते जाएगा। जैसे आपका इसमें तीन स्पीड मोड्स है, थोड़ा दिखा दीजिए। तो आपका तीन स्पीड मोड्स यहाँ से आपका ऑपरेट होगा, 1, 2 एंड 3। वो आप ऑन राइड आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको रिवर्स का भी फीचर है, वो आप बटन प्रेस करके आप एक्सलेट कीजिएगा तो आपका रिवर्स जाएगा, जो लेडीज के लिए बहुत कंफर्टेबल है। इसके साथ में आपको यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आ जा रहा है, प्लस यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन पे आपका बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी परसेंटेज है, किलोमीटर रन, प्लस आपका कौन सा मोड में चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और एक ये है आपका जो एक एडिशनल पार्किंग फीचर इसमें दिया गया है, जो आपका अभी मतलब एज पार्किंग फीचर है अंदर में, वो अभी स्टैंडिंग ही रहेगा, आप एक्सलेट कीजिएगा ये अभी चलेगा नहीं। अच्छा। जैसे ये पार्किंग मोड आपका हटाने के दो ऑप्शंस है, जैसे आपका एक ये पार्किंग का पी स्विच है या तो फिर आप ब्रेक्स है, इससे आप ये रिमूव करके आप बाद में राइड कर सकते हैं। আমি যদি একবার ব্রেকটা যদি আমি প্রেস করি তার মানে আমার পার্কিংটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমি আবার এক্সিলেট করে আমি আবার চালাতে পারছি। রাইট, इसके साथ में आपका ग्रोसरी हुक वगैरह सब चीज दिया हुआ है, और आपको 14 इंची का लेग स्पेस मिल रहा है, बेसिक से सामान वगैरह सब चीज। আমি যদি এখানে বসি তো এখানে লেগ স্পেসটা কত ভালোই হচ্ছে, লেগ স্পেসটা কিন্তু খুব সুন্দর আছে, লেগ স্পেস খুব ভালো আছে। যারা মনে হয় যারা হোম ডেলিভারি যারা করবে তাদের জন্য মানে খারাপ হবে না। এটা প্রাইস কি আছে? ये आपका स्टार्टिंग है एज इन आपका 77,000 से। 77,000, हाँ। कलर कॉम्बिनेशन खूब भालो आ जाए, ट्रेंडी है से खूब। इसमें आपको लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू, व्हाइट, रेड, येलो, ये सारा कलर मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, आगे पीछे आपको दोनों चक्का में डिस्क ब्रेक मिलेगा। और एटा कोथाकार कंपनी? जयपुर। जयपुर, अच्छा। नेक्स्ट, सेकेंड आपका ये वाला मॉडल है, इसका नाम है आपका लो ईवी। सुपर। इसमें आपका एलईडी लाइटिंग्स, एलईडी डिस्प्ले है, प्लस आपका इसका थोड़ा डिस्प्ले टाइप थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, कंपेयर टू आपका जो आप वन में देखे, इसमें भी आपका आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स, C8 का टायर्स, ये सारा आपका ट्यूबलेस टायर आएगा, सारा का सारा ट्यूबलेस आएगा। यस, नहीं जाच्छी सेटा ई बाइकर क्षेत्र की स्पेशली अपना ट्यूबलेस टायर ही दिच्छे। हाँ, ऑल आपको ईवी में मैक्सिमम आपको ट्यूबलेस टायर आएगा, बट इसमें एक स्पेशल है कि आपको इसमें C8 का टायर मिल रहा है। अच्छा, ब्रांडेड टायर है। इसमें एक एडिशनल फीचर है फ्रॉम वन,
आप जैसे अगर आप इसमें पार्किंग मोड में से हटते हैं, व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग, ये एक आपका एक स्पीड पे जा रहा है, यू हैव स्विच टू सेकेंड मोड, दिस इज द थर्ड मोड। अच्छा, अब अगर आपको यही स्पीड पे आपको क्रूज करना है, यू हैव गॉट एन एडिशनल फीचर, यहाँ पे एक क्रूज बटन है, ये एक बार प्रेस करने से आपका क्रूज मोड में चले जाएगा गाड़ी। अच्छा बंधुरा, এখানে আছে আচ্ছা একটা ক্রুজ বাটন আছে, এই ক্রুজ বাটনটা যদি প্রেস করেন তাহলে ये आपका देखिए, अब एक्सीलेट नहीं कर रहा हूँ, बट गाड़ी आपका एक ऑटोमेटिक स्पीड पे आपका जा रहा है ऑटोमेटिकली। তাহলে ক্রুজে দিয়ে রাখলে আপনি আপনার আলাদা করে এক্সিলেট করতে হচ্ছে না, এটা হচ্ছে ক্রুজ বাটন। আমরা এখানে আলোর জন্য হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না, তো দেখুন এখানে অটোমেটিক আপনার চাকাটা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, ক্রুজ বাটনে দিয়েছে বলে অটোমেটিক চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে। इसको रोकने का दो ऑप्शन है, या तो आप क्रूज मोड में से हटा दीजिए इसको, या तो ब्रेक दबा दीजिए, दोनों पॉइंट में आपका ये गाड़ी जी रुक जाएगा। तो हमने क्रूज থেকে যদি আমি আবার আরেকবার প্রেস করি তাহলে আপনার ক্রুজ থেকে ওটা চলে যাচ্ছে, বা আপনি যদি একবার ব্রেক যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে আবার সেই আপনার নরমালে চলে আসছে। আর যারা এরকম ক্রুজে দিয়ে রাখবেন, এই এই বাটনটা যদি প্রেস করে দেন ক্রুজে অটোমেটিক হয়ে যাবে, তাহলে তাদের আর এক্সিলেট করতে হচ্ছে না। এই গাড়ি কে সাথে মে আপকো এক রিমোট ভি দিয়া জাতা হ্যায়। আচ্ছা, ये रिमोट में आपका चार फीचर्स है। अच्छा, लॉक है, अनलॉक है, फिर आपका इवन आप कीलेसली आपको गाड़ी ऑन कर सकते हैं। अच्छा। प्लस आपका एक अलार्म भी है जो आप प्रेस करने से गाड़ी आवाज करेगा कि कहाँ पे है। बहुत बार आपका पार्किंग लॉट में आपको लोकेट करने में इजी रहता है। बहुत सारा गाड़ी रहेगा तो मुश्किल होता है, तब दिक्कत आता है जो मेरा गाड़ी किधर गया। यस, प्लस आपका इसमें एंटी थेफ्ट लॉक भी है, वो आप रखेंगे तो आपका गाड़ी लॉक रहेगा एंटी थेफ्ट, जैसे आपको फोर व्हीलर में जैसे फीचर रहते हैं सेम फीचर्स है। टच करेंगे तो वो हाँ, टच करने पे आवाज आएगा, प्लस आपका पीछे का चक्का भी लॉक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे का चक्का भी लॉक, तो पेचने अपना गाड़ी से टच कर रखे, टच करें गाड़ी मतन, तो अपना बुझते ही पार्छेन टच कर ले आबार एरकम सेंसर दवा आछे और आवाज करबे। जैसे आप देखिए ये वाला बटन हम लोग दो बार प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपका ऑन हो गया वहां पे। তাহলে আমি গাড়িটা স্টার্ট করতে পারছি উইদাউট ক্রি, কি ছাড়া আমি স্টার্ট করতে পারছি, কিলেস ফিচার আছে। বাহ, এটা একটা ভালো ফিচার, একটা অ্যাডিশনাল একটা ফিচার একটা অ্যাড হলো। তো এটার কি প্রাইস আসছে আপনার? ই আপকা 72,000 সে স্টার্টিং হ্যায়। 72, দারুণ দেখতে করেছে, কিন্তু খুব ট্রেন্ডি আছে, লেডিজদের জন্য খুব ভালো কালেকশন এটা, খুব ট্রেন্ডি। আর পাশেরটাও এজ ইউজুয়াল খুব সুন্দর রয়েছে, এটাও খুব সুন্দর। আর নেক্সট আসছে হচ্ছে আপনার থার্ড মডেল হ্যায় আপনার স্টোরি। আচ্ছা, আপনার রেজিস্টার্ড ভেহিকল হ্যায়, ইসমে আপকো লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশন দোনো লাগেগা। আচ্ছা, ইসকা আপকা টপ স্পিড জায়েগা অরাউন্ড 60 তক। আর ওটা স্টপ টপ স্পিড কি ছিল এটার? উসকা আপকা দোনো কা ম্যাক্সিমাম টপ স্পিড আপকো 40 তক জায়েগা। 40 তক, তাহলে ওখানে আমি রেজিস্ট্রেশন কিছু লাগছে না? আচ্ছা না, ये आपका इसमें आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपका आगे पीछे आपका इसमें भी C8 का ट्यूबलेस टायर्स है, इसमें आगे आपको कॉम्बी ब्रेक दिया गया है, पूरा फुल मेटल बॉडी है। अच्छा, खूब सुंदर कोड़े से देखते हैं, बोझा जाच्छे ना जे ई बाइक आछे, हाँ तो बुझते पर भी ई बाइक, ए ग्रीन कलर टा देखले अनेके ई बुझते पारे एटा ई बाइक। हाँ, किन्तु खूब सुंदर कोड़े से, एटाते डिस्क ब्रेक नहीं। हाँ, इसमें कॉम्बी ब्रेक आता है, कॉम्बी ब्रेक से प्लस आपका। अच्छा, कॉम्बी ब्रेक का फैसिलिटी फीचर्स क्या है कॉम्बी? ये आपका ऐसे है कि जब आप पीछे का रेड में मैक्सिमम लोग पीछे का रेड ब्रेक यूज करते हैं, तो रेड ब्रेक जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके साथ में वो आगे का ब्रेकिंग भी थोड़ा लगेगा, जिसकी वजह से आपका स्केट खाने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है कॉम्बी ब्रेक में। अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्प्ले तो हमें देख क्यूआर से, ये जैसे आपका डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, आप एक क्यूआर कोड दिया गया है, वो क्यूआर कोड आपका बैटरी का एक ऐप है, उसमें आपको जाके वो क्यूआर कोड स्कैन करना है, वो स्कैन करने से आपका फोन आपका गाड़ी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका गाड़ी का ऑन टाइम, आपका बैटरी वोल्टेज, रन टाइम, कहाँ पे गाड़ी लोकेट कर सकते हैं, इवन आप नेविगेशन आप अपना ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। अच्छा, जैसे ये भी अभी पार्किंग मोड में है, पार्किंग मोड हम लोग हटाने के बाद वी कैन सी कि यहाँ पे आपको एक रेंज किलो दिया गया है कि आपको कितना गाड़ी रेंज कितना देगा, बैटरी परसेंटेज दिया गया है, कौन सा मोड में है, इको मोड में है, फिर आपका कितना स्पीड पे चल रहा है, इवन वोल्टेज बैटरी का दिया गया है, एंड यहाँ पे आपका फोन कनेक्टिविटी के बाद में आपका यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा। इसमें भी आपका तीन स्पीड मोड्स है, जैसे आपका ये इको है,
इको है आपका, ये है आपका कंफर्ट मोड है, और एक थर्ड आपका आ जाता है स्पोर्ट मोड जो आपका हाइपर मोड है। तो इसमें तीनों में आपको यहाँ पे किलोमीटर रेंज दिख जाएगा कि आपका मैक्सिमम कितना गाड़ी चल सकता है अभी। देखते कि ना बुझते ना हम चेष्टा कर आपनी जदि इको मोडे दें তাহলে আপনাকে কিলোমিটারটা এখানে শো করে দেবে। ইকো মোডে যদি দেন তাহলে আপনার কত কিলোমিটার এটা শো করে দেবে। তারপরে আরেকটা আছে হচ্ছে ইকো মোডের পরে কি মোড আসছে এটা? ইকো মোড হে আপনার এক কমফর্ট মোড হে। কমফর্ট মোড, কমফর্ট মোডে আপনি আরেকটু মাইলেজটা কম পাবেন। হ্যাঁ, আর আপনার এই স্পোর্ট মোড হে তিসরা। ন্যাচারালি আপনি স্পোর্টস মোডে যদি চালান তাহলে আপনি আরেকটু মাইলেজ কম পাবেন। তো 68 এখানে দেখাচ্ছে মাইলেজ। ইভেন ইসমে ভি আপকো রিভার্স কা ফিচার, इवन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल होल्डर, ये सब चीज ऑलरेडी मिल जा रहा है। इवन इसमें आपका की लॉक फीचर है, आप चाबी जब लॉक करके बाहर निकाल देंगे ये आपका की होल लॉक कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों सिस्टम तो बेश भालो लाग लो। इसके साथ में ये सारा गाड़ी में आपका बैटरी इज पोर्टेबल, आप बाहर निकाल के भी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को बैटरी बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं, गाड़ी के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों चीज है। खूब दरकार छिलो जे गाड़ी अपना गाड़ी बैटरी जो बाहरे निये चार्ज करें ना, चार्ज करते चान तो एटा चार्ज करते पारबेन। एटा खूब बड़ एकटा एडवांटेज। आपने देखे नीन एक बार गाड़ीटा, टेल लाइट सुंदर करेछे, कलर कम्बिनेशन खूब सुंदर। इसमें देखिए आपको बता देता है आपका बैटरी पोर्टेबिलिटी। তো দাদা দেখিয়ে দিচ্ছেন ব্যাটারিটা আপনি কি করে আপনি চার্জ দেবেন, কেউ কি করে বের করছেন ওটা উনি দাদা দেখিয়ে দিচ্ছে, এটা দেখে নিন। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला हम लोग पहले दबाएंगे तो आपका सीट खुल जाता है। सीट खोलने के बाद में पहले आपका एमसीबी बंद करना है, बैटरी का कवर लिड खोलना है। यहाँ पे आपको एक तो एंडरसन कनेक्टर रहता है, ये एंडरसन कनेक्टर आपको डिटैच करना है। अच्छा, ये कनेक्टर टा आपने डिटैच करते हैं, खुले नहीं तो आपने बैटरी टा सिंपली बाहर बेर करे एबार आपने घरे नहीं के चार्ज दिए दिन बा आपने 7 दिन 10 दिन के जोने थाकछेन ना आपना फ्लैटे बा आपने जेखाने गाड़ी रेखेछेन आपने सिक्यूरिटी बा एकटु अभाव आछे आपने बैटरी टा खुले नहीं चले जान बेटर। फिर आप लगाने का भी सेम प्रोसेस है, आप ऐसे डाल दिए। हाँ, एक एंडरसन कनेक्टर ये वाला जो है ये आप लगाए टाइट एंड आपको ये अंदर डाल देने का, यू जस्ट स्विच ऑन द एमसीबी। खूब इजी, आपके तो देखिए देवे एंड आपका गाड़ी आसें तो आपके देखिए देवे जे की करे बैटरी टा रिमूव करते पारबेन, की करे चार्ज दीते हबे, कत घंटा चार्ज दिले आपनी कत किलोमीटर रान करबे। प्रेजेंट जो आप देख सकते हैं ये आपका सारा जो तीनों मॉडल आप देखे उसका अलग अलग कलर्स भी अवेलेबल है एट प्रेजेंट स्टॉक में हमारे पास। जैसे आप वन में देख सकते हैं व्हाइट है, लाइट ब्लू है, ब्लैक कलर अवेलेबल है, डार्क ब्लू कलर अवेलेबल है। स्टोरी में भी आपको स्टॉमी ग्रे, मिडनाइट ब्लैक ये दोनों कलर अवेलेबल है अभी। एंड लो ईवी में भी आपका सारा कलर अवेलेबल है। धन्यवाद। की वारंटी क्या है? आपका बैटरी पे आपका 3 इयर्स वारंटी मिलता है ये सब गाड़ी में, और मोटर पे 2 इयर्स, कंट्रोलर चार्जर कन्वर्टर पे 1 साल वारंटी मिलता है। 2 किलोमीटर चलार पर आपको बैटरी रिप्लेस करते होंगे। वैसे कुछ है नहीं, आपका 3 इयर्स इसका वारंटी रहता है, आपका आराम से 3-4 साल आपका बैटरी चल जाता है। बट इनमीडिएट आपको एक बार, एक या दो बार आपको बैटरी सर्विस में देना पड़ता है। ओटा कत किलोमीटर बाद बैटरी सर्विस देवे? नथिंग फिक्स, इट डिपेंड्स ऑन योर राइड, आपका कैसे आप चला रहे हैं, आपका यूसेज कैसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके ऊपर होगा। तो आपने फैसिलिटी आसे निश्चय, फाइनेंस फैसिलिटी आसे? हाँ, बजाज फाइनेंस के कार्ड पे भी है। अभी हम लोग आईसीआईसीआई के साथ भी हम लोग टाइप करने का ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोग का यहाँ पे इन हाउस सर्विस सेंटर भी है, कोई गाड़ी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका यहीं पे सर्विस हो जाएगा। वैसे गाड़ी यदि कोनो रास्ता ब्रेक डाउन हो तो अपने कंपनी थे कि लोग गए नहीं आसार कोनो सिस्टम आछे? ऐसे हम लोग का दो इस पॉइंट पे हम लोग का दो चीज है, दो सर्विस टाइप है। अगर कस्टमर चाहता है कि घर पे जाके सर्विस करने के लिए तो हम लोग का आदमी जाता है घर पे सर्विस करके भी आता है, हम लोग का सर्विस इंजीनियर। एंड इफ समथिंग मेजर ब्रेकडाउन रहता है तो वो लोग ये गाड़ी के साथ में आपको 1 साल के लिए आरएसए भी फ्री मिलता है, विच इज रोड साइड असिस्टेंस।
सो आपका एक साल के अंदर में अगर कभी भी कहीं कुछ खराब होता है तो यू कैन जस्ट कॉल द आरएस, वो लोग वहां पे आएगा, गाड़ी पिक करेगा और आपको यहाँ पे लाके रख देगा, देन आफ्टर रिपेयरिंग यू कैन कलेक्ट द व्हीकल फ्रॉम शोरूम। अच्छा अच्छा अच्छा, তাহলে রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা আছে সেই ফ্যাসিলিটিটা আপনার কাছে এক বছরের জন্য দিচ্ছেন, এটাকে যদি আমি এক্সটেন্ড করতে চাই তো আমি বাড়াতে চাই তাহলে এটা কি কত কি খরচা পড়তে পারে অ্যাপ্রক্সিমেটলি? আপনার অ্যারাউন্ড ইয়ারলি সাবস্ক্রিপশন যাতা হ্যায় ইসকা তো আপনার অ্যারাউন্ড 1500-1800 রুপিস কুছ লাগতা হ্যায় পার ইয়ারলি, উইচ ইউ ক্যান অ্যাভেল আপনার চয়েস পে, ইট ইজ অর কমপ্লিটলি অন ইয়োর চয়েস। লাস্ট আপনি আপনার শোরুমের নামটা একটু বলে দিন আর কোম্পানির নাম আর আপনার অ্যাড্রেস, প্রপার অ্যাড্রেসটা, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক। ভিয়া অ্যালফোমেগা বাইকস অ্যান্ড আর অ্যাড্রেস ইজ 28 স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা 1, হাসান আলী বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর, অ্যান্ড ভিয়া দ্য ডিলার অফ ব্যাটারি কোম্পানি, ব্যাটারি ই স্কুটার্স, উইচ ইজ এ জয়পুর বেসড কোম্পানি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু জানি না, এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে কোম্পানির নাম ব্যাটারি, জয়পুর বেস কোম্পানি। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, তো আপনারা যদি কেউ ব্যাটারি চালিত স্কুটার খুঁজছেন, এরকম ধরনের স্কুটার খুঁজছেন, ট্রেন্ডি বা এরকম মাইলেজওয়ালা স্কুটার খুঁজছেন, তো তার আপনি স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নাম্বারে ফোন করতে পারেন, ফোন করে একবার ভিজিট করে দেখতে পারেন, আপনার রিকোয়ারমেন্টের সাথে যদি এটা ম্যাচ করে তো আপনি নিতে পারেন। যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, নমস্কার।